अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दनियाल, आई रीड इन फिफ्थ क्लास, आई एम 11 इयर्स ओल्ड। मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें बनाई और मैं सबसे पहले आपको एक इस लाइट के बारे में बताऊँगा। इस लाइट को आपको बनाने के लिए दो लकड़ियाँ चाहिए। इसे आप इस ग्लू का हॉट ग्लू के साथ एक दूसरे के साथ चिपका दें। फिर आप बैटरी लें, बैटरी को भी हॉट ग्लू के साथ या फिर वाइट ग्लू के साथ चिपका दें। अगर आपके फिर आपने एक लूपी लेनी है, एक वायर उसकी बटन के साथ लगाना है और एक वायर उसकी बल्ब के साथ लगानी है। बल्ब की एक वायर बचेगी, वो आपने बटन के साथ लगा देनी है। फिर इसे अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप इसे हॉट ग्लू के साथ भी चिपका सकते हैं। फिर आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से चलती है। अब मैं आपको एक फ़ैन बनाने के बारे में बताऊँगा। फ़ैन का प्रोसेस भी उसी तरह है, बस इसमें आपको मोटर और एक फ़ैन की ज़रूरत होती है इस तरह का। अगर आपके पास इस तरह का फ़ैन नहीं है तो आप कोई भी फ़ैन ले सकते हैं या फिर किसी गाड़ी वगैरह में होता है। फिर आप इसका प्रोसेस भी उसी तरह है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह चलता है। ये बहुत तेज़ हवा देता है। अब मैं आपको एक बग़ैर इंजन वाली कार के बनाने के बारे में बताऊँगा। ये एक ऐसी कार है जो बग़ैर इंजन के साथ चलती है। इसे ये सिर्फ हवा के दबाव से चलती है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड का एक छोटा सा बॉक्स बना लें और इसके ऊपर एक बैटरी फिक्स कर दें। फिर एक लूपी का एक वायर बटन के साथ लगाएं और एक वायर मोटर के साथ लगाएं। मोटर की जो एक वायर बचेगी वो आपने बटन के साथ लगा देनी है। फिर आप ये देख सकते हैं, ये फ़ैन भी उसी तरह का फ़ैन है। आप ये ले सकते हैं कहीं से भी। फिर मोटर के साथ फिक्स कर दें। अब ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह चलती है। ये एक प्रोजेक्ट है जो इससे ये साबित होता है कि लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इसे आप जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट चलेगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रोशनी आ रही है। इसका प्रोसेस भी सिर्फ लाइट की तरह है। बस इसका अपने लाइट की तरह प्रोसेस बनाना है और ये कार्डबोर्ड्स की तरह एक ही जगह पे होल कर देना है और एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेना है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चिपका देनी है। फिर मैं आपको एक सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सोलर सिस्टम मैंने बताया है, इसको बनाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा एक कार्डबोर्ड चाहिए। इसके ऊपर आपने फॉर्मिक शीट लगा देनी है ब्लैक कलर की और फिर ये जो आप प्लैनेट्स देख रहे हैं ये फॉर्म के साथ ब्लेड के साथ फॉर्म को बिल्कुल गोल शेप में कीजिए और फिर ये बन जाएगा। उस तरह की ये जो वायर आप देख रहे हैं, आपके अगर आपके पास ये वायर नहीं है तो आप कोई और भी स्टील की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी फ़ैन की तरह है, बस इसमें पंखा नहीं लगता। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने रेड कलर का कुछ लगा रखा है। ये एक वॉशल है, वॉशल आपने मोटर के साथ फिक्स करना है और फिर आप ये देखें कितनी अच्छी तरह चलता है। ये ऐसे ऐसे चलता है। अब अगर आपके पास मोटर बैटरी वगैरह नहीं है तो आप इसे बैरिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरिंग आपको किस स्पिनर के अंदर से मिल जाएगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टील को मैग्नेट में तब्दील कर देती है। जब आप इसे बटन ऑन करेंगे तो ये थोड़ी देर में मैग्नेट में तब्दील हो जाएगा। अब ये देखिए कि किस तरह चिपक रहा है। इसको बनाने के लिए आपको बस एक कॉमन पिन चाहिए और एक बैटरी, बटन, लूपी और एक कील चाहिए। कील के ऊपर आप एक कोयल को या फिर स्प्रिंग होता है उसे अंदर डाल सकते हैं। फिर आपको ये एक वायर आपने बटन के साथ लगा देनी है और एक वायर आपने कील के साथ लगा देनी है और ये बटन की भी एक वायर आपने कील के साथ लगा देनी है। जब ये बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह मैग्नेट बनाता है। ये मैंने एक वाटर साइकिल का प्रोजेक्ट बनाया है, यह शायद आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये इतना ख़ास नहीं है। मैं इसमें माउंटेंस रेन और स्नो के बारे में बताया गया है। इसे मैं साइड पर रखता हूँ और अब मेरी एक अमेजिंग इन्वेंशन है
पार्टी कूलर, ये आप देख सकते हैं कि एक पार्टी कूलर है। ये आप एक गिलास लेंगे, आप इसका बटन ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी आ रहा है। आप किसी पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो आपको आपके पास पानी नहीं, बड़ा कूलर नहीं होता तो आप ये छोटा कूलर भी लेकर जा सकते हैं। इसका ये देखें कि कितना अच्छा पानी आया है इसमें से। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने बनाया कैसे है। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने एक मोटर फिक्स की है, ये एक पानी खींचने वाली मोटर है। मैंने इससे पहले एक पानी खींचने वाली मोटर बनाई थी, वो बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं ये छोटी मोटर बनाई है। इसके लिए आपको ये पाइप चाहिए। ये पाइप आपको जब किसी को ड्रिप लगती है तो ड्रिप के अंदर पाइप होती है, वो छोटी छोटी होती हैं, उनको आप एक दूसरे के साथ टेप से ऐसे अटैच कर सकते हैं। और एक ये पॉइंटर्स के एक पाइप बनाई है मैंने। ये एक मैंने टैंकी बनाई है। इस टैंकी में मैंने ये छोटी सी टैंकी बनाई है, आप चाहें तो इससे बड़ी भी टैंकी बना सकते हैं। इसके अंदर एक ये बटन लगा हुआ है और ये एक लूपी लगी हुई है। लूपी की एक वायर आपने बटन के साथ अटैच करनी है और एक वायर आपने मोटर के साथ फिक्स करनी है। वायर आपने बड़ी लगानी है क्योंकि ताकि आसानी से खुल सके, और मोटर की एक वायर आपने बटन के साथ लगानी है। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह वर्क करती है। आप इस बैटरी ऐसे अटैच करें और टैंकी ऐसे अंदर रखें, ऐसे इसके अंदर डालें और ऐसे चल जाएगा। और आप ये देखें कि इसके अंदर से किस तरह पानी आता है। अब मैंने एक और चीज़ बनाई है, इसका नाम है पार्टी पॉपर। आप ये किसी की बर्थडे पार्टी पे जाएंगे तो आपके ये काम आएगा। ये स्प्रिंकल्स हैं, ये किसी के कवर्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया है। इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड को रोल करके आप इसे टेप के साथ चिपका सकते हैं या फिर हॉट ग्लू के साथ। इससे फिर एक बलून लेना है, बलून को आधा काट लेना है और आधा फिर इसके साथ करके फिर इसे टेप के साथ चिपका देना है। फिर आपने कवर लेना है, कवर को कार्डबोर्ड के ऊपर करना है। फिर आप ये स्प्रिंकल्स और कवर की मदद से बना सकते हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे और आप ये ऐसे चलता है। थैंक्स, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।